हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ संजना। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ब्यूटीफुल सा रक्षाबंधन मेकअप लुक जो मैंने बहुत ही आसानी से क्रिएट किया हूँ। एक्चुअली रक्षाबंधन सामने ही आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये लुक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो इसलिए मैं इस लुक को लेकर चली आई हूँ आपके सामने। तो इस लुक को मैंने किस तरह से क्रिएट किया हो और ये लुक को क्रिएट करने में मुझे कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज करने पड़ा, तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना गाइस मत भूलना। और वीडियो में जाने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब के पास में जो छोटू सा बेल आइकन है उसको भी हिट करना मत भूलना, क्योंकि मैं जब भी नए कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं। तो गाइस लेट गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, इस लुक को क्रिएट करने की आगे मैं सबसे पहले यूज करूंगी मामा अर्थ का ये ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर को फुल फेस पे अप्लाई कर लूंगी। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। उसके बाद मैं लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए अप्लाई कर लूंगी हिमालय का ये लिप बाम। लिप बाम को अच्छे से लिप्स पे अप्लाई कर लूं। उसके बाद प्राइमर के लिए मैं यूज कर लूंगी ब्लू हेवन का ये प्राइमर। प्राइमर को लिटिल बिट अमाउंट हैंड में ले लूंगी। उसके बाद टी जोन पे फोकस करते हुए फुल फेस पे अप्लाई कर लूंगी अच्छे से। मॉइस्चराइजर और प्राइमर को अप्लाई करने के बाद मैं मेरा आईब्रो को ड्रॉ कर लूंगी। और आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, जो 9 कलर आई शेडो पैलेट आता है वो। और मुझे चाहिए एक एंगल शेडर ब्रश। थोड़ी सी मेकअप फिक्सर ब्रश पे स्प्रे कर लूंगी और इस पैलेट का जो डार्क ब्राउन कलर शेड है उसको अप्लाई कर लूंगी मैं आईब्रो में। सबसे पहले आईब्रो को ड्रॉ कर लूंगी, उसके बाद आईब्रो को फिल अप कर लूंगी वो ब्राउन कलर के आई शेडो की मदद से। इससे हमारा जो आईब्रो है वो नेचुरल दिखेगा। अब ये सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए मैं मेरी दूसरे आईब्रो को भी ड्रॉ कर लूंगी। आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ओलिविया का पैन स्टिक, जो बहुत ही अच्छा है कंसीलर के काम करते हैं। सो गाइस, एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की मदद से कंसीलर को लेकर मैं मेरी आईब्रो को डिफाइन कर लूंगी। उससे मेरा आईब्रो और भी ज्यादा शार्प दिखेगा और अच्छे से अप्लाई भी हो जाएगा। उसके बाद एक ब्रश की मदद से अच्छे से मेरा कंसीलर को मैं ब्लेंड कर लूंगी। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना गाइस, नहीं तो ये दिखने में पैची सा लगेगा, वो दिखने में खराब लगता है। आईब्रो के बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लूंगी। और आज मैं फाउंडेशन के लिए यूज कर रही हूँ लैक्मी इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। ये बहुत ही अफोर्डेबल एक फाउंडेशन है गाइस, तो इसको मैं बैक ऑफ द हैंड में अप्लाई कर लूंगी। पहले वीडियो में भी बताया था बैक ऑफ द हैंड में मैं इसको अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद डॉट डॉट मोशन में फुल फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लूंगी अच्छे से। फाउंडेशन अप्लाई हो जाने के बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैबिंग मोशन पे फुल फेस पर अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूंगी फाउंडेशन को। फाउंडेशन को तब तक ब्लेंड करनी होगी जब तक ना ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैं कंसीलर के लिए यूज करूंगी सेम ओलिविया का जो पैन स्टिक है, मैं उसको ही कंसीलर के लिए यूज करूंगी। एक ब्रश की मदद से फेस का जो हाइलाइटेड पॉइंट है वहां मैं कंसीलर को अप्लाई कर लूंगी। जैसे कि फोरहेड, क्यूपिड बो, अंडर आई, चिन एंड ब्रिज ऑफ द नोज पे। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से सारे कंसीलर को ब्लेंडिंग कर लूंगी। ये ओलिविया का जो पैन स्टिक है ये बहुत ही अच्छा एक कवरेज प्रोवाइड करता है और हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। तो गाइस अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको बहुत ही अच्छे लगेगी। उसके बाद मेरा फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी लैक्मी का रोज पाउडर। वही डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जिधर जिधर मैंने कंसीलर को अप्लाई किया था वहां वहां मैंने
लूज पाउडर को अप्लाई कर लूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर पे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट रहेगा उससे ही मैं मेरा आईलिड को सेट कर लूंगी अच्छे तरीके से। सो गाइस, अब मैं डायरेक्टली आई मेकअप की ओर जा रही हूँ और आज मैं आई मेकअप के लिए यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का सेम पैलेट 06। ये स्विस ब्यूटी का सेम पैलेट। इस पैलेट में से जो पीची कलर का जो शेड है उसको लेकर अच्छे से मेरा जो क्रीज लाइन है उसको मैंने अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ये जो मेरूनिश कलर है उसको मैंने पिक करूंगी। इस शेड को लेकर मेरा जो क्रीज लाइन है उसको और भी ज्यादा डिफाइन करूंगी और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड करूंगी। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की मदद से पैलेट का जो डार्क मरून कलर शेड है उसको पिक कर लूंगी। उसके बाद जो डार्क मरून कलर शेड था उसको सिर्फ मैंने क्रीज लाइन पे प्लेस कर दूंगी। उसके बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेनी होगी, नहीं तो अच्छे नहीं दिखेगी। आई शेडो को ब्लेंड करने के बाद मैं सेम कंसीलर की मदद से मैं मेरी कट क्रीज ड्रॉ कर लूंगी। मैंने सिर्फ मेरा सेंट्रल आईलिड पे ही कट क्रीज ड्रॉ कर लूंगी। सेम लैक्मे का रोज पाउडर की मदद से मैंने जो कट क्रीज ड्रॉ किया था उसको अच्छे से सेट कर लूंगी। उसके बाद इस पैलेट में जो पिंक शिमरी जो मैरून कलर है उसको पिक कर लूंगी और मेरा हाथों की मदद से मेरे जो आईलिड पे कट क्रीज ड्रॉ किया था उस मतलब सेंटर आईलिड पे मैं प्लेस कर दूंगी। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करके मैं मेरी दूसरी आई पे भी आई शेडो को अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मैंने आज L18 आई ड्रामा काजल को यूज कर लूंगी और ये जो काजल है ये बहुत ही अच्छा एक कवरेज है और इसका प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है। आज मैंने सिर्फ काजल ही यूज करूंगी, कोई लाइनर आज मैंने नहीं यूज करूंगी। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की मदद से मेरा जो काजल अप्लाई किया था उसको अच्छे से स्मच कर लूंगी। उसके बाद पैलेट से लाइट मरून शेड लेकर फिर से काजल को स्मच कर लूंगी, उससे कोई भी हर्श लाइन नहीं रहेगा और एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। सो दूसरे आई पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मेरा इनर कॉर्नर पे और ब्राउ बोन पे थोड़ी सी हाइलाइटिंग मैंने यूज कर लूंगी। मस्कारा के लिए आज मैं मेविलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा को यूज करूंगी। अच्छे से इसको मैंने मेरा आई लैश पे कोट कर लूंगी। अपर आई लैश एंड लोअर आई लैश पे भी अच्छे से मैंने इसको कोट कर लूंगी। गाइस, ये बहुत ही अच्छी एक मस्कारा है, इंस्टेंटली आप इसका रिजल्ट देख पा रहे हो गाइस। सो कंटूर के लिए सेम पैलेट से जो ब्राउनी कंटूरिंग शेड है उसको पिक करूंगी और अच्छे से कंटूरिंग कर लूंगी मेरे फेस पर। ये कंटूरिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है गाइस, ये पैलेट बहुत ही अफोर्डेबल भी है। सेम पैलेट से ही ये पिंक कलर का शेड लेकर मेरे एपल ऑफ द चीक पे एज ए ब्लश अप्लाई कर लूंगी। सेम ब्राउनी कंटूर शेड लेकर मैं मेरा नोज को भी कंटूरिंग कर लूंगी अच्छे से। नोज कंटूर हो जाने के बाद मैं मेरा जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसको भी हाइलाइटेड कर लूंगी। लिप के लिए आज मैंने मी नाउ का ये लिप लाइनर पहले यूज कर लूंगी, ये काइंड ऑफ पिंकिश कलर का शेड है। लिपस्टिक के लिए हुडा ब्यूटी का जो ड्यूप है उसको अप्लाई कर लूंगी और ये कुछ डीप पिंक काइंड ऑफ शेड है, इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी लिप पर। उसके बाद मैंने फेस पर एक काला बिंदी अप्लाई कर लूंगी फेस लुक को कंप्लीट करने के लिए और ब्लू हेवन की मेकअप फिक्सर को अप्लाई करके फुल फेस को मैंने सेट कर लूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब कर दूंगी फुल फेस पे
उससे मैंने जो भी मेकअप किया वो अच्छे से सेट हो जाएगी फुल। सो गाइस, मेरा जो लुक है वो कम्प्लीट ही टोटली तो ऑफ कैमरा में हेयर स्टाइल करके आप लोगों के सामने आए। होप यू ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल को भी मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट अभी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, आज के वीडियो इतने तक ही। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ। तो अभी के लिए गाइस बाय बाय।